एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि चार्ली की माँ चार्ली को ढूंढ रही होती है। फिर वो उसके कमरे के बाहर जाती है और वो देखती है कि दरवाज़ा लॉक था। तभी वो वहाँ पर रखे हुए गमले पर देखती है कि उसके अंदर उस रूम की चाबी चार्ली ने रखी हुई थी। फिर वो उस चाबी से चार्ली के रूम का दरवाज़ा खोलती है और अंदर जाती है। तभी चार्ली की माँ को अंदर से एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है जो वहाँ एक शटर के अंदर बंद थी और वो मदद मांग रही थी और शटर के अंदर का दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी और उसे खटखटा रही थी। फिर चार्ली की माँ जाकर जब उस दरवाजे को खोल दिया तो यहाँ पर दिखता है वो लड़की और कोई नहीं बल्कि जीना की बहन जियोन थी जिसे चार्ली ने कैद किया हुआ था। और वो चार्ली की माँ से कहती है, दादी मुझे बचाओ, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ कैद हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो। फिर चार्ली की माँ जैसे ही जाने लगती है जियोन कहती है, आप मुझे जानती है रूम नंबर 809, क्या आप मुझे जानते नहीं हैं, मुझे यहाँ कैद किया गया है, प्लीज़ मेरी मदद करो। चार्ली की माँ उसके पास जाती है और उसके हाथ से एक ब्रेसलेट निकालती है और बाहर भाग जाती है और जियोन रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। इसके बाद किसी में हमें दिखता है कि जीना और ऑफिसर मिंसू वो एक होटल में जाते हैं जहाँ मिंसू का दोस्त बालदे ही रहता था। फिर वो दोनों जब उसके रूम में जाते हैं तब मिंसू का दोस्त नहाकर बाहर आता है। मिंसू जीना को बताता है, ये मेरा असिस्टेंट है। बालदे कहता है, मैं खुफिया एजेंट हूँ। बालदे उन्हें स्क्रीन पर CCTV मैप को दिखाता है जो उस जगह का था जहाँ जीना का अपार्टमेंट था। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जीना के डैड वू हॉक का पीछा कर रहे होते हैं और वो वू हॉक को देखते हैं कि वो एक बिल्ली को मार रहा है चाकू से। फिर वो उस बिल्ली को मारकर एक थैले में डाल देता है और वहाँ से जाने लगता है। जीना के डैड भी उसका पीछा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीना एक लैपटॉप में उस दिन की CCTV फुटेज को देखती है जिस दिन उसकी बहन आखिरी बार दिखाई दी थी। और जीना देखती है कि उसकी बहन एक सामान को उठाकर लिफ्ट में एंटर हुई थी और वो देखती है कि रिकॉर्डिंग 14 जुलाई 7:20 पर थी। कुछ देर बाद जीना देखती है कि उसी लिफ्ट में वो हॉक भी आया था और ये रिकॉर्डिंग थर्सडे 1:22 की थी। मिंसू जीना से कहता है, जीना तुमने कहा था कि तुम अपनी बहन से बुधवार से नहीं मिल सकी है ना। वो कहती है हाँ। और वो आगे देखते हैं कि वो हॉक 8वीं मंजिल पर रुका था। मिंसू अपने दोस्त से कहता है, हमें जीना के घर के आसपास के CCTV फुटेज देखने हैं थर्सडे के रात को 1:22 के। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जीना के डैड वो हॉक के गाड़ी का पीछा कर रहे थे। जीना अपने डैड को फ़ोन करती है लेकिन उसके डैड अपना फ़ोन नहीं उठाते। वहीं दूसरी तरफ मिंसू का दोस्त उस अपार्टमेंट की वीडियो को उन दोनों को दिखाता है। उसमें जीना देखती है कि एक आदमी जिसने रेनकोट पहना हुआ था उसने एक सूटकेस को बालकनी से नीचे फेंका था। इसके बाद उस आदमी ने एक लड़की को कंधे में उठाकर नीचे ले गया था। जीना कहती है, वो मेरी बहन है। मिंसू कहता है, तुम इतने श्योर कैसे हो। जीना कहती है, वो बैग मेरी बहन का है, वो कोट भी उसका लगता है। मिंसू देखता है कि सुबह के 4:30 रहे होते हैं जिस समय घटना हुई थी। मिंसू कहता है, इस आदमी के कपड़े वू हॉक से अलग दिख रहे हैं। जीना कहती है, कम से कम ये तो पता चल गया कि मेरी बहन किडनैप हुई है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि वू हॉक वो एक जगह पर जाता है जहाँ तालाब बना हुआ था एक बिल्डिंग के अंदर। फिर जीना के डैड भी वहाँ आते हैं और उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और वो देखते हैं कि वू हॉक उस तालाब से एक मछली को निकालता है और उस मछली को उस बिल्ली के टुकड़े खिलाता है। वहीं दूसरी तरफ जीना को परेशान देखकर मिंसू उससे पूछता है, क्या कोई प्रॉब्लम है। कहती है, मैं अपने डैड को फ़ोन कर रही थी लेकिन वो अपना फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मेरे डैड ने मुझसे पूछा था कि वू हॉक कहाँ रहता है इसलिए मुझे डर लग रहा है। फिर जीना ऑफिसर मिंसू के साथ गाड़ी पर जाती है। मिंसू जीना को बताता है कि वू हॉक के पास इलेक्ट्रॉनिक ABB है, कंट्रोल सेंटर को उसे देखना चाहिए। मैं उन्हें इसकी लोकेशन भेजने के लिए कहता हूँ, अगर तुम्हारे डैड वू हॉक के साथ हैं तो वो उन्हें ढूंढ सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ जीना के डैड वू हॉक के पास जाते हैं और उसे गुस्से से देखते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। वू हॉक कहता है, क्या आपको मछली पसंद है। जीना के डैड उसे एक थप्पड़ मारते हैं और वो नीचे गिर जाता है। वो पूछता है, आप मुझे क्यों मार रहे हो। जीना के डैड उससे पूछते हैं, मेरी बेटी कहाँ है। वू हॉक कहता है, मैं नहीं जानता। फिर जीना के डैड फिर उसे थप्पड़ मारते हैं और वो फिर पूछते हैं, जल्दी बताओ मेरी बेटी कहाँ है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। इसके बाद जीना के डैड एक कटर मशीन निकालते हैं और उससे कहते हैं, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। फिर वो कटर मशीन से उसके पैर का टुकड़ा थोड़ा काट देते हैं लेकिन वू हॉक फिर भी कुछ नहीं बोलता। फिर जीना के डैड उसे खड़ा उठाते हैं और उसका गला दबाते हैं और पूछते हैं, मेरी बेटी कहाँ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद जीना के डैड वू हॉक को उसकी वैन में ले आते हैं और उसे उसकी वैन के अंदर पीटने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि ऑफिसर मिंसू जब अपने ऑफिस में जाता है तब उसके बॉस उसे डांटने लगते हैं।
क्योंकि वो दिन भर ऑफिस में नहीं था। मिंसू अपने बॉस को बताता है कि जियोन नाम की लड़की जो रोज़ अपार्टमेंट से गायब हुई थी, ये एक सिंपल केस नहीं है। उसके बॉस गुस्से में उससे कहते हैं, क्या तुम वाकई में हमें गुस्सा दिलाने चाहते हो? डिपार्टमेंट इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तुम इसमें टांग क्यों उड़ा रहे हो? गोकिश ने कहा, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मिंसू कहता है, ये एक सातिर किडनैपिंग है, और वो अपने फ़ोन में अपने बॉस को वो सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें एक आदमी जियोन को बिल्डिंग से नीचे ले जा रहा था। उसके बॉस ये देखकर हैरान होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीना के डैड वो योग की वैन से अपनी गाड़ी को बांध देते हैं और वो योग की गाड़ी को चलाते हैं। वहीं अगली सुबह जीना जब अपने घर में सोकर खड़ी उठती है तब वो देखती है कि उसके डैड अब तक घर नहीं आए। तभी जीना अपने ऊपर वाले रूम से एक हस्बैंड वाइफ के झगड़ा करते हुए आवाज़ सुनती है और वो परेशान होकर फिर ऊपर वाले कमरे के बाहर जाती है और वहाँ दरवाज़ा खटखटाती है। फिर वहाँ एक आदमी दरवाज़ा खोलता है। जीना उससे कहती है, मैं नीचे रहती हूँ, आप बहुत शोर कर रहे हैं। वो आदमी माफ़ी मांगता है जीना से। इसके बाद उसकी बीवी बाहर आती है और वो जीना को गुस्से से देखती है और वो अपने हस्बैंड से कहती है, तुम हमेशा अपने घर पे लड़कियों को लाओ। जीना कहती है, तुमने क्या कहा? वो औरत जीना के पास गुस्से में जाती है और उससे कहती है, तुम कौन हो जो मेरे घर पर आई? उसका हस्बैंड उसे पकड़ता है और वो औरत जीना को गाली देती है। फिर जीना भी उस औरत पर हमला करने की कोशिश करती है लेकिन वो आदमी उन दोनों को छुड़ाता है। फिर वो अपनी बीवी को रूम के अंदर ले आता है। इसके बाद जीना जब अपने रूम के बाहर जाती है तो वो देखती है कि उसके रूम के बाहर एक पार्सल आया हुआ है। फिर वो अंदर जाकर जब उस पार्सल को खोलती है तो वो देखती है कि उसके अंदर उसकी बहन की नाइटी रखी हुई थी, रेड एंड ब्लैक कलर की। जीना को याद आता है कि जिस दिन वो यहाँ आई थी उस दिन उसने यही ड्रेस अपनी बहन के रूम में देखी थी। इसके बाद जीना जल्द से बाहर भागती है डिलीवरी वाली गाड़ी को पकड़ने के लिए। फिर वो आखिरकार उसे पकड़ लेती है और उससे पूछती है, क्या आपने अभी बिल्डिंग नंबर 117 के रूम नंबर 809 में कूरियर डिलीवर किया था? वो आदमी कहता है, मैंने नहीं किया। उन्होंने कहा कूरियर डिलीवर करने के लिए वहाँ मत जाओ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं जीना जब पीछे मुड़ती है तो वो चाली को देखती है जो अपनी स्कूटी को जल्दी से पीछे मोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर जीना उसका पीछा करती है और सुपरमार्केट में जाती है। जीना उससे पूछती है, क्या तुम वही हो जिसने मेरे घर के सामने सूटकेस रखा था? चाली कहता है, मैं सिर्फ खाना पहुँचाता हूँ। जीना कहती है, मैंने तुमसे पूछा कि तुम डिलीवरी के लिए किस बिल्डिंग में गए थे। वो कहता है, क्या ये हमारी प्राइवेसी नहीं है? जीना चला कर कहती है, मैंने तुमसे पूछा कि तुम डिलीवरी के लिए किस बिल्डिंग में गए थे। वो कहता है, जीना वो तुम्हारा घर नहीं था, तुम चिंता मत करो। वो कहती है, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? वो कहता है, पिछली बार जब तुम दुकान में आई थी तो मैंने इसे सुना था। वो कहती है, मैं तुम्हें अपना नाम क्यों बताऊंगी? इसके बाद जीना भागती है और चाली के उस मार्ट के रूम के अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी चाली उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम दूसरे लोगों की दुकानों में इस तरह से क्यों जाती हो? अगर तुमने फिर से ऐसा किया तो मैं पुलिस को फ़ोन करूंगा। फिर जीना वहां मौजूद सिक्योरिटी से कहती है, इस आदमी ने मेरी बहन को चुरा दिया, प्लीज़ आप मुझे कुछ वक्त के लिए सीसीटीवी कैमरा दिखाएं, ये एक क्रिमिनल है। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे में जीना दिखाती है कि वो उस बिल्डिंग में आया था और चाली 8वीं मंजिल पर गया था। वो कहती है, तुम मेरी मंजिल पर आए थे। वो कहता है, क्या पूरी मंजिल तुम्हारी है, क्या तुम इतने अमीर हो? वो पूछती है, तुमने किसके लिए खाना लाया? तभी वहाँ वुमेन प्रेसिडेंट सुगजा आती है। वो कहती है, उसने खाना मेरे लिए लाया है। चाली कहता है, मैं सुगजा के घर गया था। सुगजा जीना के पास जाकर कहती है, तुम यहाँ हल्ला क्यों कर रही हो? जीना कहती है, क्योंकि मेरी बहन गायब है। सुगजा कहती है, ये अफसोस की बात है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ है, अगर तुम दोबारा से ऐसा करती हो हम औरतें खाली नहीं बैठेंगी, हम पुलिस को बुलाएंगे कि तुम यहाँ हल्ला क्यों कर रही हो। अगर यहाँ हल्ला होता है तो यहाँ के घरों की कीमत गिर जाएगी, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लेती हो? जीना कहती है, तुम क्या बात कर रही हो, क्या प्रॉब्लम घर की कीमत है? सुगजा कहती है, हाँ यही प्रॉब्लम है। जीना कहती है, ये सच में पागलपन है, मैंने कहा मेरी बहन लापता है। इसके बाद वो औरतें जीना को खींच कर बाहर ले आते हैं। बाहर जाकर सुगजा कहती है, सर्च वारंट के साथ वापस आओ, तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह हो। इसके बाद जीना बहुत घबरा जाती है। वहीं पास के एक बिल्डिंग के अंदर से एक औरत जीना को देख रही होती है जिसका नाम योन होता है और वो अपने टैबलेट में जीना के भाई और जीना की फ़ोटो देखती है और वो वहाँ मौजूद अनजान लड़की से कहती है, क्या तुम वही हो जिसने भेजा था? वो लड़की कहती है, पहले से चेक करो। मियोन कहती है, ये बहुत मज़ेदार है, मुझे ये पसंद आया। फिर वो उस लड़की को कुछ पैसे देती है। वो लड़की कहती है, मुझे यहाँ फिर से मत बुलाना, सीधे पैसे मेरे अकाउंट में सेंड कर देना। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जीना अकेले पार्क में होती है और वो ऑफिसर मिंसू को फ़ोन करती है। मिंसू उसे बताता है वो योक ने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को हटा दिया है। जीना पूछती है, क्या मेरी डैड उसके साथ नहीं है? मिंसू कहता है, मुझे पूरा यकीन नहीं है।
इससे पहले वो मछली पकड़ने वाली जगह पर दिखाई दिए थे। वहाँ की पुलिस तुम्हारे पिता की कार और वो युवक की कार को ट्रैक करेगी। इसके बाद जीना अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और उसका बॉयफ्रेंड कहता है मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, और दरअसल वो अपनी लैब में एक लड़की के साथ होता है, यानी कि उसका एक और लड़की के साथ अफेयर था और वो जीना को धोखा दे रहा था। इसके बाद ऑफिसर मिनसू वहाँ आता है और जीना उसे अपने बारे में बताती है। मिनसू उससे कहता है मैंने सूचना विभाग से तुम्हारे डैड की लोकेशन को ट्रेस करने के लिए कहा था, ये वो लोकेशन है, ये दूर नहीं है, हम साथ में जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जीना के डैड ने वो युवक को उसकी वैन के अंदर उसके हाथों को बांधा हुआ था और वो युवक को खाना देते हैं और वो युवक से कहते हैं मेरी बेटी मेरी पूरी लाइफ के बराबर है, लेकिन तुम्हारे लिए लोगों की जान की कीमत नहीं है, जब तक तुम एक शब्द भी नहीं कहोगे मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये सुनते ही वो युवक हंसने लगता है। जीना के डैड उससे कहते हैं क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर जीना के डैड उस मशीन को फिर अपनी गाड़ी से निकालते हैं और वैन के अंदर जाते हैं और वो उसे पकड़ कर पूछते हैं मेरी बेटी कहाँ है बताओ मुझे। तभी वो एक कैन के ढक्कन से जीना के डैड के गले पर वार करता है जिससे जीना के डैड मर जाते हैं। और यहाँ पर एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।